ना पार्लियामेंट को बनाया जा रहा है, बस बदमाशी है। जो जहां अभी उनका बस चलता है वो करते हैं। जनाबे आप, मैं आखिर में एक बात करता हूं, मैं वो जनाब स्पीकर की हमें आदत पड़ गई है। मैं आखिर में एक बात कर रहा हूँ कि कल से बहुत मवेला मच रहा है। अशरफ गनी साहब ने एक ट्वीट किया है, मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ, और हमारी दफ्तर खारजा ने कह दिया है कि ये मुदाखलत है। तो मैं कहता हूँ कि अब से कुछ अर्सा पहले हमारे गोर हमारे साथी गुलाम इस्माइल के वालिद प्रोफेसर इस्माइल को जब गिरफ्तार किया था तो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक ट्वीट किया था, वो तो आपके आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी। उस वक्त तो फॉरन ऑफिस ने कुछ नहीं कहा था। आप जब कश्मीर की बात करते हैं, और मैं कश्मीर के साथ एक और भी बात करता हूँ, जब हमारे वजीर आजम सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब का बादशाह इनको कहता है कि आपने फलाने कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, आपने फलाने जगह नहीं जाना, उस चीज को तो आप मुदाखलत नहीं समझते। अशरफ गनी साहब ने जब किया था, कुआलालंपुर, तो अशरफ गनी साहब ने जो कहा था, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इंसानी हुकूक की सरहद नहीं होती। फिर अशरफ गनी साहब भी अफगान है, मैं भी अफगान हूँ, मंजूर पश्तीन भी अफगान है, सब अफगान है, अफगान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। किसी को अगर इससे तकलीफ हो तो सो दफा हो। मैं आखिर में एक शेर से इजाजत देना चाहूंगा, दिलारा का हर सुमरा उगदा।